नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आ चुके हैं एग्जिट पोल। भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों में होने जा रहा सुपड़ा साफ। कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार, पहले ही एग्जिट पोल में आखिरकार। गोदी मीडिया तक ने भी कहा कि आखिरकार बीजेपी की प्रचंड जीत होने जा रही है। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, इजराइल ने गाजा पट्टी में खत्म किया युद्ध विराम, ताबड़तोड़ भीषण बमबारी शुरू कर दी। खान यूनिस दक्षिणी गाजा में किया हमला, खास करके रफा क्रॉसिंग पे, उस क्रॉसिंग पर हमला किया है जहां से बड़े पैमाने पर लोगों के लिए राहत सामग्री आ रही थी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पैगंबर साहब के अपमान पर उबल रही घाटी, 1 महीने के लिए सारे कॉलेज बंद, जम्मू कश्मीर में हालात बेहद ही खराब। चौथी खबर में बताएंगे दोस्तों, अमेरिका में बगावत शुरू, इजरायली पूरी तरीके से बगावत शुरू, अमेरिका की सिचुएशन पूरी तरीके से ख़राब, बताएंगे आखिर कैसे। और इस बीच बड़ी खबर अगली निकल के आई है जहां आखिरकार क्यों जो है वो एग्जिट पोल से पहले अशोक गहलोत ने कर दिया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस सभी 5 राज्यों में बनाएगी सरकार। सब कुछ खबरें जान लेना आपको लीजिए जरूरी है। अमेरिका में मची फूट, ईरान ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें जहां आखिरकार तेलंगाना में कांग्रेस के आगे फिर हाईकमान अलर्ट, विधायकों को दूसरे शहर शिफ्ट करने का प्लान। 5 राज्यों के एग्जिट पोल ने बताया कैसे बन रही है कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, सर्वे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी ने पूरी तरीके से अब जोड़ तोड़ की राजनीति करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब उन लोगों से मिलने जा रही, उनके संपर्क में हो चुकी है जो निर्दलीय हैं, यानी एक तरीके से निर्दलीय लोगों के संपर्क में आ चुकी। छोटी छोटी पार्टियों को अपने पाले में लाने की तैयारी बीजेपी तेज कर दिया है, क्योंकि जो सर्वे निकल के आया है वो पूरी तरीके से तहलका मचा दिया है, यानी एक तरीके से सर्वे ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। राजस्थान में जो है वो 20-30 साल का रिवाज जो है वो टूटने जा रहा है, और जो अल्टी पल्टी हो रही थी वो इस बार फिर अशोक गहलोत सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस धमाकेदार एंट्री करने जा रही है, इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ तेलंगाना में भी कांग्रेस की वापसी हो रही है, और मेघालय में भी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनने जा रही है। तो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है, और यही कारण है कभी से ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। इसी बीच सबसे बड़ा बयान निकल के आया है, खास करके शिवकुमार का, कर्नाटका के डिप्टी सीएम का। उन्होंने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज़ वेल। अगर आला कमान ने कहा तो हम 5 राज्यों के जो विधायक हैं उन हम सभी विधायकों को संभाल लेंगे, और 5ों को रिजॉर्ट पूरी तरीके से तैयार है, हम इन्हें ठहराएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हुई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां भीषण अटैक हुआ है। जी हां, इजराइल आखिरकार उत्तरी गाजा में कर दिया भीषण हमला। खान यूनिस शहर और रफा बॉर्डर पर बमबारी कर दी शुरू, पूरी तरीके से ट्रक के आवागमन को रोक दिया गया है, और वहीं निर्दोषों को, जो खास करके लोग रहे थे, हमास के लड़ाकों का कहकर हमला कर दिया। दरअसल आपको बता दें इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के खान यूनिस और रफा में फिर से बमबारी तेज कर दी। अस्थायी युद्ध विराम के बाद इजराइल ने गाजा पर भीषण हमला किया है, बमबारी, अनगिनत बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। इस सीज फायर खत्म करने के बाद इजराइल ने कहा है कि गाजा जेरूसलम में हमास के हमले के बाद हमने ये कदम उठाया है, क्योंकि यरूशलेम में हमास ने भीषण हमला किया था और उसी हमले के जवाब में हमने ये हमला किया है। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो इजराइल ने गाजा में फिर से हमास के खिलाफ अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच बीते कुछ दिनों से जारी संघर्ष विराम खत्म हो गया, और इजरायली सेना ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए ये बातें बताई हैं। तो कॉमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें, जिस तरीके से ये हमला शुरू हुआ आखिर ये इसमें आप इसे कैसे देखते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, एग्जिट पोल, पहले ही अशोक गहलोत ने दावा किया कांग्रेस सभी 5 राज्यों में बनाएगी सरकार, बनने जा रही है बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। तेलंगाना चुनाव के लिए मतदान तो हुआ और उसके बाद एग्जिट पोल भी आ गए हैं। इंडिया टुडे से लेकर सभी जो है वो चैनलों ने इस बात को दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का लगभग सफाया होने जा रहा है और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है, और यही कारण है कि सीधे तौर पर अब तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है ये चीज़ें। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगले एक और अपडेट निकल के आई है, घाटी के
घाटी में पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर उबल रही घाटी, एक महीने के लिए सारे कॉलेज बंद, एनआईटी को कराया गया खाली, बहुत तेज हुआ विरोध। जी हाँ, सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील कश्मीर घाटी में मोहम्मद पैगंबर साहब के अपमान का मसला बढ़ता जा रहा है। इसके चलते राज्य में तनाव बढ़ गया है और अब घाटी में कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। घाटी के सभी उच्च संस्थानों में ऑफलाइन क्लासेस को बंद करना कर दिया गया है। सभी कॉलेजों के मैनेजमेंट से कह दिया गया है कि वो अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस ही चलाएं। श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को तो बंद ही करना पड़ा है। इसके अलावा हॉस्टल भी खाली करा लिए गए हैं। इसी संस्थान के लिए छात्र ने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। इसको लेकर बवाल बढ़ गया है और छात्र संगठन प्रदर्शन करने लगे हैं। यही नहीं, श्रीनगर समेत घाटी में कई जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए हैं। इसकी वजह से चिंता ये भी है कि अलगाववादी इन विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आतंकवादी भी इस मामले के बहाने लोगों को उकसाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें, किसी की पोस्ट पर कमेंट आदि ना करें। इसके अलावा ऐसे संदेशों को फॉरवर्ड करने से भी बचा जाए। पुलिस का कहना है कि आरोपी एनआईटी छात्र के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 153 और 295 के तहत केस दर्ज किया गया है। रजिस्ट्रार की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इतना ही काफी नहीं है, आरोपी छात्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। सांप्रदायिकता न फैले, इसको लेकर के लगातार मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में अगर गिरफ्तारी तत्काल हो जाए तो संभवतः ये प्रदर्शन रुक जाए, लेकिन जानबूझकर गिरफ्तारी न होना भी जो है वो एक तरीके से प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। एक और अपडेट, यमन के हौती विद्रोहियों ने इसराइल को दी धमकी, कहा अगर गाजा पट्टी में फिर शुरू की लड़ाई तो युद्ध होंगे भीषण। दरअसल यमन के हौती विद्रोहियों ने इसराइल को धमकी दी और हौती विद्रोहियों ने कहा है कि अगर इसराइल ने गाजा पट्टी में लड़ाई फिर शुरू की तो इसराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर देंगे और लाल सागर में इसराइली जहाजों का अपहरण कर लेंगे। हौती सैन्य प्रवक्ता यहा सीरिया ने अल मसीरा टीवी के हवाले से कहा कि अगर इसराइली दुश्मन गाजा के खिलाफ अपनी आक्रामकता फिर से शुरू करने का फैसला करता है तो हम उनके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। उन्होंने कहा है कि हौती सेनाएं इसराइली इकाई के खिलाफ हमलों का विस्तार करने में संकोच नहीं करेंगे। इससे ऐसे में लक्ष्य भी शामिल है जिसकी इसराइल को जमीन का समुद्र पर उम्मीद नहीं होगी। हम लाल सागर में इजरायली जहाजों को रोकना जारी रखेंगे और हम इस फैसले के महत्वपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और कदम भी उठाएंगे। सिंगल समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार होती धमकी गाजा पट्टी में इजरायल हमास के बीच हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है, इसराइल पॉलिसी पर अमेरिका में बगावती रुख तेज होता दिखाई दे रहा है। सीआईए अधिकारी ने पहले लगाया फलस्तीनी झंडा, अब कई सीआईए के जो लोग हैं वो भी विरोध जता रहे हैं। दरअसल इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर दुनिया दो फाड़ है। यही नहीं, अमेरिका में भी इसे लेकर बवाल मचा है। पहले बड़े पैमाने पर अमेरिकियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और तमाम राज्यों को जाम कर दिया और अब खबर ये निकल के आई है कि बाइडेन की जो खुफिया एजेंसी है सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए में भी पूरी तरीके से अब फूट मच गई है। सीआईए के जो एक बड़े स्टैंडिंग कमेटी के जो खास करके सारे निर्णय लेते हैं उनके चीफ ने ही जो है वो फिलिस्तीन का फ्री पैलेस्टाइन झंडा अपनी फेसबुक पेज पर लगा दिया है कवर फोटो में। अब इसके बाद आपको बता दें सीआईए के कुछ और लोगों ने जो बाइडेन सरकार को चिट्ठी लिख करके अपने स्टैंड को पूरी तरीके से बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गाजा वॉर में इसराइल का समर्थन अमेरिका की छवि को धूमिल कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो विश्वगुरु की ताकत थी उससे इसराइल खेल रहा है, यानी अमेरिका के नीतियों के साथ इसराइल खेल रहा है जबकि जो बाइडेन चुप्पी साधे हुए हैं। इस वजह से सीआईए के अधिकारियों के साथ साथ वहां के कुछ सांसद, वहां के कुछ बौद्धिक लोग जो है वो अब इस चीज का विरोध करने लगे हैं। एक और अपडेट, मानवीय सहायता से भरे 2700 से अधिक ट्रक गाजा पहुंचे हैं। दरअसल मानवीय सहायता से लदे 2781 ट्रन अब तक राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में प्रवेश कर चुके हैं जो मिस्र और फलस्तीन इनक्लेव के बीच एकमात्र संपर्क बिंदु है। मिस्र की राज्य सूचना सेवा एसआईएस ने कहा जानकारी दी है। विदेशी मीडिया के लिए एसआईएस प्रेस सेंटर के प्रबंधक आयामान वालास ने गुरुवार को सिंहुआ समाचार एजेंसी को बताया है कि 21 अक्टूबर को गाजा में पहले राहत काफिले की अनुमति देने के बाद से 3176 टन चिकित्सा सामग्री, 1308 टन ईंधन और 13,348 टन भोजन सामग्री गाजा भेजा जा चुका है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, इस्लामी देश गाजा में अपराधों को रुकवाने के लिए प्रयास करते रहे, ईरान ने रखी कतर के सामने मांग। दरअसल आपको बता दें कल ईरान के गाजा में पूरी तरीके से संघर्ष विराम का पक्षधर है ईरान। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस्लामी देशों के अवैध इजरायली शासन के अत्याचारों को पूरी तरीके से रुकवाने के साथ गाजा वासियों के लिए मानवता प्रेमी सहायता पर लगातार पहुंचाने के लिए अपने प्रयास करते रहने चाहिए।
हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने गाजा में स्थायी युद्ध विराम के संदर्भ में कहा है कि इस बात की आशा की जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तुलना परिषद प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीनियों के संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन कर सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कतर के विदेश मंत्री से बातचीत करते हुए कहा कि इस युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा करके रुकवाया ही जाए। एक और अपडेट, तालिबान ने एक बार फिर से हमास का किया इनडायरेक्टली समर्थन। अब तालिबान के जो मुजाहिदीन, खास करके तालिबान के जो मुखिया हैं, रक्षा मंत्री हैं मुल्ला याकूब, उनके जो विशेष कमांडर हैं वो अब हमास की ड्रेस में आएंगे नज़र। जी हाँ, हमास स्टाइल में आएंगे नज़र। दुनिया भर में मुस्लिम उम्माद के लिए नए सलाह अल्दीन अयूबी के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल आपको बता दें, तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद के विशेष कमांडरों ने अब अंगरक्षकों ने भी खुद को हमास के प्रवक्ता अबू बैदा के रूप में धारण कर लिया है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई है। इस बीच उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें केवल और केवल एक तरीके से समर्थन के लिए किया गया है कि हम हमास का समर्थन करते हैं और हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो कही गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गुरुवार को 8 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है। जी हाँ, दरअसल अधिकारियों ने गुरुवार तड़के घोषणा की है कि हमास और इजरायल के बीच संघर्ष विराम को फिर से 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। हमास ने उन 200 से अधिक लोगों में से 100 को मुक्त करा दिया है जिनके आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर अचानक हुए हमले के दौरान बंधक बना लिया था। बदले में इजरायल ने 200 से अधिक फलस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा कर दिया। तो लगातार आपको बता दें, इजरायल ने एक बात यहाँ ये भी कही कि अब 10 से 12 इजरायलियों को जब रिहा किया जाएगा तब हम सीज फायर एक दिनों के लिए कर देंगे। इस तरीके की चीज़ वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से ख़राब ही होती दिखाई दे रही है।